हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफस्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज है 23 अगस्त और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई लगभग 4:10 में सुबह, क्योंकि दो दिन से राखी और ये फेस्टिवल होने की वजह से पढ़ाई एक भी नहीं हो पाई। और मायके से वापस आने के बाद मैं अपनी पढ़ाई में फिर से कंटिन्यू करना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं आना जाना हो गया तो उतना ज़्यादा चीज़ें सही तरीके से नहीं हो पाती प्रॉपरली, जितना टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। बट त्यौहार है तो आना जाना तो ये लगा ही रहता है, अगर एक भी दिन कहीं चले जाओ तो वो थोड़ा सा सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाता है। तो दो दिन से, मतलब दो दिन रक्षाबंधन और दूसरे दिन खजलैया के बाद से एक भी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी 22 तारीख को घर। 22 से मैंने 23 से अपनी सुबह से पढ़ाई चालू करी, क्योंकि बहुत ज़्यादा, मतलब दो दिन का भी गैप हो जाता है तो लगता है कि बहुत ज़्यादा पीछे हो गए हैं, और सब कुछ, मतलब मेरे नोट्स भी कंप्लीट हो गए हैं तो उसी को मैं रिविज़न कर रही थी। सुबह से मैंने पूजा वूजा करी और धीती नहीं गई थी आज स्कूल, क्योंकि उसकी भी थोड़ा सा तबीयत ख़राब है। और आज मेरी भी, मतलब मुझे भी जुखाम जुखाम जैसे लग रहा है, क्योंकि ये 23 का वीडियो है और आज है 24 तारीख, तो थोड़ा सा कोल्ड एंड फीवर है, तो आने जाने से थोड़ा सा पानी चेंज हो जाता है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। और दोपहर में मैंने करी अपनी पढ़ाई और शिफ्ट सो रहा था, जितनी भी सो गई थी तो मैंने 1.5-2 घंटे अपनी 3 घंटे पढ़ाई करी। और घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स, अगर हेल्थ इश्यूज लगे ही रहते हैं, कभी किसी की तबीयत ख़राब तो कभी किसी की, और मेरी खुद ही बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे कोल्ड और फीवर जैसे है, तो दो दिन से मुझे बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा था। और फ़िलहाल तो दादी की तबीयत ख़राब है, इनको मतलब अटैक आया था रात में, तो एडमिट करना पड़ गया था रात को ही ले जाके, और अभी तो ठीक है। मतलब 22% केवल हार्ट काम करता है दादी का। तो धृति रो रही थी अचानक से दादी की तबीयत ख़राब हो गई, तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब टाइम उसका दादी के पास ही निकलता है, तो दादी बीमार थी तो बहुत ज़्यादा रो रही थी कि मतलब अम्मा को क्या हो गया। अगर जॉइंट फैमिली में रह रहा है तो बच्चे ना थोड़ा सा सभी का प्यार पाते हैं, दादी का, बब्बा का, और धृति का तो आधा टाइम नीचे ही निकलता है दादी बब्बा के पास, तो वो अम्मा के लिए बहुत ज़्यादा रो रही थी कि कैसे तबीयत ख़राब हो गई। और मतलब दादी का हो गया कुछ भरोसा भी नहीं है, क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब रहती है। और ये है मेरी मौसी सास जो कि दादी को देखने आई थी, और मेरा मतलब साथ मेरी शादी को 6-7 साल हो गए और इन्होंने मेरी मुंह दिखाई नहीं करी थी, तो मेरे लिए लेके आई थी रिंग जो कि मुझे दे रही थी, और दादी को भी देखने आई थी। तो मैंने बोला चलिए आज एंगेजमेंट कर लेते हैं, आप ही पहना दीजिए अपने हाथ से। मुझे काफ़ी दिनों से देने के लिए बोल रही थी और फाइनली आज मेरे लिए रिंग लेके आई बुआ, मतलब मौसी जी मेरे लिए लेके आई थी और अपने हाथों से पहनाई, क्योंकि इनका भी कभी आना जाना नहीं हो पाता, तो दादी को देखने आई तो रखी थी इनके पास मेरी मुँह दिखाई का जो गिफ्ट होता है, तो इन्होंने फाइनली मुझे 7 साल बाद दे ही दिया। और घंटे दो घंटे रुकने के बाद फिर ये भी चली गई, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक नहीं रही और बहुत टाइम हो गया था, मतलब 6-7 साल बाद इन्होंने मुझे ये गिफ्ट करा, और बहुत अच्छी रिंग थी, मतलब अपने हाथ से मौसी ने मुझे पहनाई और मैं काफ़ी खुश थी रिंग पाके, क्योंकि एक नया गिफ्ट मिला और एक मुंह दिखाई वाला कार्यक्रम हो गया मेरा 7 साल बाद, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, मौसी देने के लिए बोल रही थी, फिर अभी लेके आई। और फिर इसके बाद ये लोग चल दिए घर, मतलब घर में हो गया, अगर किसी की तबीयत थोड़ा सा ख़राब है तो आना जाना और देखना तो सारा कुछ मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई अगर घर में आए तो वो भी देखना पड़ता है। और दादी की फ़िलहाल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब कभी भी किसी टाइम कुछ भी हो सकता है, वो वाली कंडीशन है इस फिलहाल इस टाइम तो, और क्योंकि उनको अटैक दूसरा तीसरी बार आ चुका है, तो अभी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है दादी को, मतलब दवाई चल रही है तो ठीक है, वरना किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। और ये लोग मिलने के बाद फिर चल दिए मार्केट, मम्मी को कुछ काम था, तो मैं अपनी पढ़ाई फिर से कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मुझे दिन में तो फ़िलहाल अभी टाइम उतना ज़्यादा मैनेज नहीं हो पा रहा, बाकी अभी सुबह से मैं फिर से अपनी कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि जब तक डेट नहीं आ जाती तब तक तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए और आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, जितना भी टाइम है उसको बेस्ट करने की कोशिश करिए और अपने अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि
अभी तो नोटिफिकेशन वगैरह भी कुछ भी नहीं आया, तो अच्छा है जितना टाइम बढ़ रहा है तो उतना हम लोगों को मिल रहा है। अगर ब्लॉग अच्छा लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और जो 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 भी मेरे चैनल पर नए हैं, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये आ गई है मेरी गाय माता।